तो यार फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi की तरफ से आने वाली मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन एंड बहुत ही हाइप क्रिएट हो चुका है इस डिवाइस का, जो कि है Redmi Note 10 Pro, जिसको लेकर के आज बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि इसकी लॉन्च डेट क्या रहने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी लॉन्च डेट, जो कि कन्फर्म निकल के आ चुकी है कि इस डिवाइस की जो लॉन्च डेट है वो क्या रहने वाली है। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा, जहाँ मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इसी डिवाइस से जुड़े हुए, जो कि इसकी लॉन्च डेट को लेकर के मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरा बताऊँगा कन्फर्म, एंड इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, आप सभी को कितना इसका प्राइस देखने को मिलेगा इंडिया में। तो यार इन सभी को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार शुरुआत करते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट से, जो कि इसकी बैटरी से निकल के आ रहा है। गाइस यहां पर ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है कि इस डिवाइस में आपको 4820 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 33 W का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि बैटरी को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो यार कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस डिवाइस में आपको 108 MP का ही कैमरा देखने को मिलेगा। ये गाइस यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर कंफर्म बता रहा हूँ कि इस डिवाइस में आपको 108 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 3 सेंसर और देखने को मिल जाएंगे बैक साइड में। फ्रंट वाले कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको 32 MP का ही कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी वगैरह लेने के लिए। तो यार काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिल रहा है इस डिवाइस में, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल रहा है। प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्रोसेसर यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक है। तो यार नो डाउट इस डिवाइस में आपको 5G कनेक्टेड एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर काफी तगड़ा प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है क्वालकॉम वाला, जो आपके डिवाइस को बहुत ही फास्ट कर देगा। आपको कोई भी लैग या हीटिंग उससे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। यार डिस्प्ले के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 120Hz का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले में, जहाँ पर डिस्प्ले साइज आपको 6.6 इंचेस की ही देखने को मिल जाएगी। बट गाइस यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को नहीं मिलेगा इस डिवाइस में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट इसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले एंड काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल रहा है। यार फाइनली अब बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस आपको अंडर 20K यानी कि आपको ये डिवाइस 20,000 की प्राइस के नीचे ही देखने को मिलेगा इंडिया में, क्योंकि जितने भी Redmi के नोट लाइनअप के स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वे सभी आपको अंडर 20K की प्राइस पर ही देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो गाइस आप इसको मानते लिए कि ये डिवाइस आपको अंडर 20K ही देखने को मिलेगा इंडिया में। एंड गाइस अब फाइनली अब जिसका इंतजार था कि फाइनली अब बात करते हैं इस डिवाइस के इसके लॉन्च डेट के बारे में, जिसको लेकर के आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर बता दूं कि ये डिवाइस आपको जनवरी में मिड या फिर जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो गाइस आप लोग वेट करते रहिए, आप लोगों को ये डिवाइस बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा जनवरी।